प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। पहला पत्रस का 3 अध्याय, उसका 9 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। 1 Peter 3:9-10। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है और अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, वो बुराई का साथ ना छोड़े और भलाई ही करे और मेल मिलाप को ढूंढे और उसका ही यत्न करे। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन जीतने से पहले ऐसे बोला था कि आप अच्छे दिन देखने वाले हैं। पता नहीं कितने लोग अच्छे दिन देख रहे हैं, लेकिन प्रभु की वचन के अनुसार अच्छे दिन देखने का एक संदेश बाइबल कहते हैं। आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आपको दीर्घायु चाहिए, लंबे उम्र चाहिए ताकि आप भलाई को देखें, तो बाइबल कहते हैं अपने मुंह को, अपने जीव को बुराई से रोक के रखना है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रखना है। जीवन की इच्छा रखते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं। भजन संहिता में इस विषय को लिखा, भजन संहिता 34 में लिखा है, उसी से पत्रस ने यहां पे लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है लंबे उम्र दीर्घायु को अगर आप चाहते हैं तो अपने मुंह को, अपने जीव को बुराई से, छल की बातों से रोक के रखना है, चौकस करना है। बुराई की बदले बुराई मत बोलना है, श्राप की बदले श्राप नहीं देना है, आशीष देना है, क्योंकि आशीष पाने के लिए हम बुलाए गए हैं, आशीष देने के लिए हम बुलाए गए हैं। सो वी ब्लेस एवरीवन, जितना मौका मिलता है, अवसर मिलता है, ब्लेस अवर नेशन, ब्लेस अवर लीडर्स, सबको आशीष दे। आशीष देने के लिए हम बुलाए गए हैं, आशीष का मूल होने के लिए हम बुलाए गए हैं। इसलिए हमारे मुंह से आशीष के शब्द निकले, बुराई के शब्द, छल की शब्द, गंदी बातें, ऐसे कुछ भी हमारे मुंह से ना निकले जिससे पवित्र आत्मा दुखी हो जाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, हमारे शब्दों को, बोली को संभालने के लिए इन दिनों में परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू, शालोम।